हम दोनों के लिए ही एक ही रिश्ता काफी होगा, बाकी रिश्तों की तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर चलो, हम ना यहां से दूर कहीं चले जाते हैं जहां सिर्फ दो लोग होंगे, तुम और तुम्हारी माँ, हम दोनों और कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, चलो अपना सामान पैक कर लेते हैं। हाँ, दूर जाना है ना। हम सबसे दूर जा रहे हैं, पर तुम्हारे बाबूजी को अगर तुमसे मिलना होगा ना, तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। तुम मिलना उनसे, ओके? तुम मिलना, पर माँ की एक बात याद रखना, ये बाबूजी पे कभी भरोसा मत करना, भरोसा कभी मत करना। अब नहीं रुकूंगी मैं, कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से हटाया ना, मैं तुम्हें अपनी यादों से हटाऊंगी। अपनी प्रेगनेंसी छुपाकर मैंने सोचा तुमसे बदला ले लूंगी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे छीन लूंगी और तुम्हें रोता देखूंगी। पर वाओ रणवीर, तुम तो जीत गए, तुमने तो मुझे ही रुला दिया। रिया की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनाकर तुमने मुझे एक बार फिर धोखा दे दिया है, एक बार फिर। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, भूल जाऊंगी तुम्हें, सब कुछ भूल जाऊंगी, तुम्हें भी भूल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा धोखा कभी नहीं भूलूंगी। एक लड़की जब अपना घर छोड़ के ससुराल आती है तो यही सोचती है कि जिस घर उसकी डोली आई वहीं से उसकी अर्थी जाएगी, ताकि आने वाले हर जन्म में उसे यही घर यही पति मिले, जन्म जन्म का रिश्ता। पर जो रिश्ता एक दूसरे के लिए बना ही ना हो, वो सात जन्म तो क्या, एक जन्म में भी जुड़ नहीं पाता, उसे टूटना ही होता है। शायद मीरा और रणबीर का रिश्ता भी ऐसा ही था, मुझे लगा वो ही मेरा कुमकुम भाग्य है, पर वो तो किसी और के भाग्य में निकला। मेरे भाग्य में कुमकुम का सुख तो नहीं है, फिर ऐसा है तो मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों? कहाँ जा रहा है? मैं डैड, एक्चुअली मैं। तू चलना हमारे साथ टेरेस पे फ्रेश एयर लेने, बड़े दिनों बाद। अच्छा चल। I would love to join, but मुझे ना एक बहुत जरूरी काम करना है, मैं काम करने के बाद आता। क्या काम करना है तुम्हें? रणबीर, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, तुम ऑफिस का काम घर पर लेकर क्यों आते हो? घर पर हो तो घर वालों के साथ रहो ना, स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। मॉम, मैं ना एक इम्पोर्टेंट काम है वो खत्म करके आपके पास आता। मेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं, रिया की बात कर रही हूँ मैं। अगर तुम उसकी केयर नहीं कर सकते तो कम से कम गिव हर सम अटेंशन। रणबीर प्लीज जाओ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बी विद हर प्लीज। डैड, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूँ ना, वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट बाद में कर लेना, अभी जाकर थोड़ा सा रिया के साथ टाइम स्पेंड कर लो, उसका ड्रीम पूरा करो। रणबीर, शी इज प्रेग्नेंट, कम ऑन। ठीक है, अपनी मॉम की बात सुन लो, जाओ गो टू योर रूम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे, इतना क्या कन्विंस कर रहे हैं हम इसे? मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कह रही हूँ ना, किसी और की वाइफ के साथ तो नहीं कह रहे। ये इतना क्या सोच रहा है,
या तो तू ये तो नहीं सोच रहा कि कैसे परेशान करूं मैं उसे? ये सब तू सोचूंगा मैं? तो फिर गो बी विद हर। रणबीर, ऐसे वक्त में ना वाइव्स नीड देयर हस्बैंड्स द मोस्ट। आई अंडरस्टैंड रणबीर, तुमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है उसके साथ, आई नो दैट, लेकिन अब आदत डाल दो ना। और ये क्या काम काम लगा रखा है, ये काम वाम सब बाद में करो तुम। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तुम ऑफिस जाना ही बंद कर दो, जस्ट बी विथ हर। या वो सो रही है? सो रही है तो जाओ ना वहाँ पर, जस्ट सिट नेक्स्ट टू हर। हो सकता है वो जाग जाए मिडल ऑफ द नाइट, उसे किसी चीज की जरूरत हो तो तुम सामने हो, वो मांग सकती है ना तुमसे। क्या दे सकता हूँ उसको जब तक वो नहीं उठती है? पंखा करो बैठ के उसके साइड। हाँ तो क्यों नहीं कर सकते? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? रणबीर इनफ नाउ प्लीज, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, जस्ट गो देयर एंड बी विद हर, दैट्स इट, गो। रणबीर के किए का मैं कुछ प्रायश्चित कर पाऊं? दीदी आप ये क्या कह रही है, आप क्यों प्रायश्चित करेंगी? आपने कुछ नहीं किया, आप ये सब अपने आप पे मत लीजिए। नहीं बोलूंगी अगर तू मुझे माफ कर देगी तो। दीदी आप क्यों माफी मांग रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष है? जब बच्चा है ना बिजनेस में कुछ अच्छा करता है ना तो लोग बड़ों की तारीफ करते हैं, क्या लायक बनाया है, क्या होनहार बनाया है। लेकिन जब वही बच्चा मैरिड लाइफ में नहीं सही होता ना तो लोग क्यों बड़ों को नहीं बोलते? ये जिम्मेदारी भी बड़ों को ही देनी चाहिए ना कि वो अपने बच्चों की शायद परवरिश नहीं कर सके अच्छी तरह से। इसलिए पुत्र मैं रणबीर के हर झूठ की, हर धोखे की, हर यादों की जो तुझे सताती है, हर आंसू की जो तुझे भारी पड़ रहे, सबकी माफी मांगती हूँ तुझसे पुत्र मैं। हर बात की माफी मांगती हूँ। बस बस, मुझे लगता है कि इस घर में ना गले लगना ही बैन कर देना चाहिए। और क्या, जिसे देखो गले लगता है और रोने लग जाता है। अरे कुछ गलत हुआ है तो गुस्सा करो, इसे रो मत। और अगर रणबीर ने कुछ गलत किया उसे बताओ कि उसने गलत किया, उसे डांटो, उस पर गुस्सा करो, इसे रोकर अपना दिल मत दुखाओ। मैं भी तो इसे कब से यही कह रही हूँ कि होने वाले बच्चे के लिए रोना अच्छा नहीं है। पता है मुझे, सब जानती हूँ। फिर तो और अच्छी बात है, मतलब अब बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक नहीं दो दो लोग हैं, एक बच्चे की मासी और एक बच्चे की होने वाली परदादी। प्राची तू ना एक रूल बना ले कि कभी भी अगर तेरा मन उदास हो ना तो म्यूजिक सुन लिया कर, कहते हैं म्यूजिक थेरेपी इज अ वेरी गुड थेरेपी। और अगर म्यूजिक बजाने का दिल ना करे तो मेरे पास आ जाकर, मैं हूँ ना, मुझसे बात कर लिया कर, कुछ भी कर पर तू खुश रहे। एक इंसान के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। और प्रज्ञा मासी कहती थी कि जिंदगी ना बहुत बड़ी होती है और कोई भी रिश्ता जिंदगी से बढ़कर नहीं होता, और तुझे ये जिंदगी जीनी है ना तो बस खुश होकर जी, ऐसे उदास होकर नहीं जी पाएगी। क्यों दीदा? ये जो कह रही है ना एकदम सही कह रही है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी खुश रहा कर। कोशिश करती हूँ। फिर इस घर में हर वो चीज कोई न कोई पुरानी याद याद दिलाती है। अगर ऐसा है ना तो एक काम कर कि तू कोई नई परेशानी ले, कोई नया स्ट्रेस। अरे हाँ, कोई नया स्ट्रेस ले जिससे ना तेरा ध्यान भटक जाए, वो स्ट्रेस ना तुझे रणबीर से दूर रखेगा। कुछ भी कर प्राची, प्लीज ऐसे रो मत। कोशिश करूंगी पक्का। ऑल गुड सर, मतलब सर प्राची मैम ठीक है ना? और रिया मैम? कुछ ठीक नहीं है स्टैनली मेरे दोस्त। क्या हुआ सर? सब खराब हो गया। मैंने प्राची के लिए जो सोचा था, तो मैंने सोचा था उसके लिए करूंगा, जो चीजें सरप्राइज प्लान करी थी वो कुछ नहीं कर पाया। जब मैंने सोचा कि अब जाके सही टाइम आ गया, तो प्राची को बताता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसी टाइम रिया को चक्कर आया और वो बेहोश होके नीचे गिर गई। सर वो सब तो मुझे मालूम है ना सर, सर मैं उस समय घर में ही था, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी तो था। अरे असली तूफान तो वही आया था, एक ऐसा तूफान आया जो सब कुछ उड़ा के ले गया। बाद में भी कुछ हुआ था क्या? हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि रिया प्रेग्नेंट है, और उसके बाद प्राची बहुत उदास हुई वो जान के, और वो हॉस्पिटल से भाग गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिली नहीं। जब वो घर आई, घर पे मम्मी ने रिया के लिए पूजा रखवाई उसकी प्रेगनेंसी के, तो ऑब्वियसली प्राची को बुरा लगेगा, वो फिर से घर छोड़ के भाग गई क्योंकि मम्मी ने उसको कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया था। इसीलिए प्राची मैम घर छोड़ के चली गई थी। हाँ फिर सर? फिर क्या, मैंने ढूंढा उसको, बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली।
लेकिन फाइनली पता है वो कहाँ मिली? वो किराए वाला घर याद है जो मैंने खरीदा था? हाँ सर। वो वहां पे थी, और उस घर में मैंने डिसाइड किया चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं प्राची से अलग नहीं होऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। मैंने क्या कहा था तुमसे करने के लिए? जूस कहाँ है? रिया के लिए जूस बनाने के लिए कहा था ना, कब से कहा हुआ है महुआ? वो मैं आपके लिए सूप बना रही थी इसलिए लेट। तुम मुझ पे ध्यान मत दो, तुम्हें सिर्फ रिया पर ध्यान देना है। अगर मैं भी तुमसे कुछ काम कहूँ ना तो प्लीज मना कर दो मुझे, तुम सिर्फ रिया का काम करोगी, समझी? सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं अब भी ऑरिजिन लेके आई। अरे लेकिन आराम से टक्कर लग जाएगी, कितनी पागल लड़की है, जब काम कहा करने के लिए तब तो किया नहीं और अब देखो भाग भाग के काम कर रही है। अरे कैसा काम? मैंने इसे रिया के लिए जूस बनाने के लिए कहा था और कब से बोला हुआ है, लेकिन नहीं, वो काम छोड़ के घर के बाकी सारे काम करे। इतने लोग हैं घर में, टाइम लग जाता है कभी कभी, हो जाएगा भी। एनीवेज मम्मी जी, वो शाम को डिजाइनर आ रही है घर में, आप अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी चूज कर लेना, ओके? मेरे बर्थडे के लिए। आई नो आप डिजाइनर साड़ियां ही पहनती है, लेकिन ये डिजाइनर कुछ स्पेशल है, आई रियली लाइक हर कलेक्शन, तो कुछ चूज कर लेना। कर लूंगी, लेकिन पल्लवी तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? अब वो मम्मी जी, मेरे बर्थडे पर हर साल या तो आप या विक्रम, रणबीर, इनमें से कोई पहली विश करता है मुझे, है ना? लेकिन इस साल मुझे सबसे पहले रिया ने विश किया। रिया ने बर्थडे विश किया सबसे पहले? हाँ। लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो कल है। हाँ, तो उसने कल रात को विश कर लिया ना मुझे। उसने बर्थडे विश कर लिया और तुम्हारा बर्थडे नहीं है, फिर भी तुम खुश हो रही हो? हाँ तो मम्मी जी, क्या हुआ, एटलीस्ट शी मेड एन एफर्ट। हैप्पी बर्थडे मामा, ये कहने में कौन सा एफर्ट लगता है। हंस लो। नहीं, हंस लो। लेकिन देखना मम्मी जी, रिया मेरे लिए कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेगी, या तो वो मेरे लिए हाथों से केक बनाएगी, या हो सकता है कि वो विक्रम और रणबीर के साथ मिलकर कुछ सरप्राइज ऑर्गेनाइज करेगी। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू समथिंग बिग, वो है ही इतनी प्यारी। आई एम रियली सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने झूठ कहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे पकड़े जाने का डर था, मुझे I just didn't know what to do. और जब आप मेरे झूठ को सच मानने लगी तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। कभी कभी हम अपने झूठ में इतना डीप चले जाते हैं कि चाहकर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। मेरी जब शाइना से बात हो रही थी तो मैं सुनी नहीं पाई कि 9 महीने एक बच्चा मेरे अंदर रहेगा। नो, आप तो जानती हैं, आई जस्ट हेट किड, उनका रोना धोना, उनका ख्याल रखना, आई कांट डू दैट। मुझे अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नेवर। I just didn't know what to do. I'm really sorry, मुझे बस पकड़े जाने का डर था, मैं इसलिए ये झूठ बोल जाऊंगी मैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि अगर ये झूठ बोल नहीं पाई ना तो तुम पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगी दीदी, ना पहले जैसा प्यार। शाइना के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ ना तो हम इस फेक प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा सोचूंगी कि तुमने मुझे ये फेक प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही बता दिया था। थैंक यू। मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि तू इस तरह का झूठ बोलेगी। सॉरी टू से, लेकिन तू ना महाकमीनी निकली, और ऊपर से भूजी भी तेरे साथ है, तो तू प्राउड है या जेलस? प्राउड, थोड़ा सा स्केयर्ड। प्राची को तुझ जैसे लड़कियों से तो बच के रहना चाहिए। बचेगी तो ही तू बच के रहेगी ना। ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन जब वापस आऊंगी तो सब भूल जाऊंगी, बिकॉज आई लव यू। शाइना, लेट्स गो एंड हैव सम कॉफी। महाकमीनी तो मैं हूं जिससे वो प्राची बच नहीं पाएगी। देखो तो सही, वो प्राची कर क्या रही है।
यहाँ किसने रखा? ये रास्ते में से हटाओ। मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें निहार रहा हूँ। और तुम्हें देख रहा हूँ ना, तो ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। बेहतर यही होगा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। काम कर रहे हो तुम? इतना बड़ा स्टडी रूम बनाया ना ताकि तुम अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस का काम कर सको। वो काम करो जिसके लिए स्टैनली आया, सो प्लीज गो। तुम जाओ यहाँ से ताकि मैं शांति से ये डेकोरेशन का काम कर सकूँ मम्मी के बर्थडे के लिए। देखो तुम जाओ वरना मैं, वरना तुम, वरना मुझे, वरना तुम्हें बहुत बहुत प्यार जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। यहाँ किसने रखा? जस्ट पिक दैट फ्रॉम हियर। ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, हटा दो इसको। अगर बात पूछूं आपसे, सर आपने राजी मैम को हटाया कैसे? यूं समझ लो कि बहती हवाओं को अपने हाथों से पकड़ना था, फूल के रंगों को अपनी आंखों में बसाना था, और जो फूलों की खुशबू है ना उसको अपने अंदर रखना था हमेशा के लिए। हाँ थोड़ा मुश्किल था लेकिन जीने के लिए बहुत जरूरी भी। आई गिव यू फ्री पीस ऑफ एडवाइस, ओके? मेरा मार्गदर्शन छोड़िए आप, जाओ जाओ जाकर उस प्राची का मार्गदर्शन कीजिए। अरे मुझसे कुछ करवाने की जगह उस प्राची से करवाइए ना, उससे बोलिए कि घर से बाहर निकले, उसका मार्ग दिखाइए घर से बाहर जाने का। बूजी यू नो व्हाट, प्राची को लेकर ना आपकी आपकी सारी प्रिडिक्शन एब्सोल्युटली फेल रही है। वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपको लग रहा था कि मेरी बातें सुनकर ऐसे रोकर गिड़गिड़ाकर भीख मांग के वो चली जाएगी यहाँ से, यू वर एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं गई वो, उल्टा यहाँ रहने का प्लान बना रही है वो। उसे भी लगा होगा कि रिया देखो ना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है, तो डर गई होगी मेरी छोटी बहन मुझसे। तो मैं क्या करती हूँ, इसी डर का फायदा क्यों नहीं उठाती? एंड यू नो व्हाट, वही तो कर रही है वो, वही कर रही है वो, पल्लवी मॉम को खुश कर रही है। और मॉम भी क्या कर रही है, हैप्पी हैप्पी, वो भी खुश है। गॉड डैमिट, उन्हें मुझसे खुश होना चाहिए था, मुझसे। या सब कुछ करना चाहिए था, एवरीथिंग वाज राइट, बस मुझे उस प्राची के सामने झुकाना नहीं चाहिए था। गॉड डैमिट, मेरी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। I can't take this anymore, Bhuji. You know what you did? उस प्राची को लगा होगा कि हाँ देखो ये मेरी नजरों के सामने गिर गई है, हाथ जोड़ने का मतलब तो यही हुआ कि प्राची प्लीज मैं हार गई तुमसे, हाँ मुझ पे दया करो और प्लीज चली जाओ, गॉड डैमिट। बट यू नो व्हाट, ये सब मेरी गलती नहीं है, नो नो नो, इट्स ऑल योर फॉल्ट, यू आर एब्सोल्युटली पैथेटिक। यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। यू कंट्रोल योर सेल्फ। I'll just be back. क्या है? मेरी आंखों में देख के, मेरी आंखों से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम ना खुद अपने मुंह से बोलो तो मुझे और अच्छा लगेगा। तुम मुझे जिस तरह देख रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे। Doesn't matter. मुझे इस तरह देखना बंद करो, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। ये जो तुम्हारे दिल में वो कह रही हो या कोई हाई कोर्ट का फैसला सुना रही हो? डोंट लुक एट मी लाइक दैट रणवीर कोहली। फैसला ही समझ लो, पर हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। मेरे ख्याल से तो कोई रूल है नहीं। स्टैनली एक बार बताओ, फोन पे चेक करो, कोई ऐसा रूल है कि तुम अपनी बीवी को घूर के नहीं देख सकते? चेक देखो है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई लॉ नहीं है। सर आप अपनी बीवी को कभी भी खाते पीते उठते बैठते सोते जागते देख सकते हैं। इनफैक्ट सर, लुकिंग एट योर वाइफ इज कॉल्ड लव। वाओ, सुना तुमने? तुम्हें घूरना कोई जुर्म नहीं है, उल्टा अगर मैं तुम्हें घूर रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि हमारे बीच में बहुत सारा प्यार है। और ऐसा स्टैनली नहीं, ऐसा इंटरनेट कहता है। डोंट लुक एट मी, आई विल ट्राई। हमेशा गलत समझ लेती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। रियली? हाँ मेरी कितनी खुशी चाहती हो ये तो साफ साफ दिख रहा है। यू नो व्हाट, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो और ये डियर सिस्टर का ड्रामा ना बंद करो। मेरी बात सुनो, कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, और कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि शी इज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट है वो, सो स्टे अवे फ्रॉम हर, टेंशन मत दो उसे। रिया और मैं जुड़वा बहने, इस दुनिया में एक साथ आई थी, हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। हाँ हमें प्रॉब्लम है, हम दोनों आपस में उसे सुलझा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बात करके देख लो रिया से,
अगर वो तुमसे बात करती है तो जस्ट बी क्वाइट, एक शब्द मत बोलना। सच में मेरी खुशी चाहती ना तो तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए था। रिया, क्या हुआ प्राची पुत्र, क्या बात कर रही थी? नहीं वो कुछ नहीं, बस यूं ही पुरानी कोई बात थी। दीदा आप राकेश जी के साथ बैठकर वो एंट्रेंस वाला डिजाइन फाइनल कीजिए ना। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी आप वहाँ दीदा के साथ बैठिए और वो दो में से एक डिजाइन फाइनल कीजिए प्लीज। ठीक है पुत्र, चल। एथिकली जब मैंने आपको बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको खुद उसी वक्त प्राची को इस घर से निकल जाने को कहना चाहिए था, बट यू डिडंट। मैं जब जब उस प्राची को देखती हूँ मुझे अपने बच्चे को लेकर डर लगता है मॉम। रिया तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मैंने खुद उसे कहा है इस घर से जाने के लिए। इनफैक्ट मैंने मम्मी जी से भी कहा है उसे कहने के लिए कि वो इस घर से चली जाए। आपने बोला होगा लेकिन लग तो नहीं रहा मॉम कि कोई आपकी बात सुन रहा है, क्योंकि मुझे तो वो प्राची इस घर में दिखाई दे रही है, इनफैक्ट हर जगह दिखाई दे रही है। Oh, actually, it might be my fault, huh? My mistake. हो सकता है कि मुझे प्राची नहीं कोई और दिखाई दे रही हो और मुझे लग रहा हो कि वो प्राची ही है। रिया ये क्या कह रही हो तुम? प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट जिसे मैं पसंद नहीं करती, जिसे मैं देखना नहीं चाहती, वो ही मुझे हर जगह नजर आ रही है, मुझे स्ट्रेस दे रही है। रिया मत रो बेटा, मत रो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रोमिस यू। मैं मॉम प्लीज आप जाइए यहाँ से, I'm just not feeling well. क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? What happened? चक्कर से आ रहे हैं मुझे, वीकनेस भी हो रही है, फीलिंग वॉमिटिश, माय लिप्स आर ड्राई, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, ओके? वी आर देयर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आलिया लिसन टू मी प्लीज, तुम बैठो रिया के साथ, मैं अभी रणबीर से बात करके आती हूँ, वो डॉक्टर को बुलाते हैं हम लोग, ओके? आई जस्ट टेल हिम। आराम से, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खाली पेट होंगी इसीलिए वीक फील हो रहा है। मुझे खाने का मन नहीं है। आई नो, इसलिए सूप बनाकर लाई हूँ, हेल्दी सूप है, अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें और टेस्टी भी है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए तो पियोगी ना। क्यों हो तुम इतनी अच्छी? खुद प्रेग्नेंट हो गई, तुम रिया का ख्याल रख रही हो, जिस इंसान की वजह से तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है उसका। पल्लवी की डॉक्टर से बात हुई, कहा सब ठीक है, दवाई की जरूरत नहीं है। बूजी पिला देगी अब, तुम जाओ, बूजी विल टेक केयर ऑफ मी। डोंट वरी, she's fine. कोई मुझे ऐसे क्यों नहीं पूछता? कोई मेरे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखता? I'm sorry मेरे बच्चे, मेरी वजह से आज कोई नहीं जानता तुम्हें कि तुम रणबीर की पहली संतान हो। तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता देना चाहिए था, एक बार पता होता तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करता। इतनी सारी अनबन के बाद तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा, तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे रिश्ता तोड़ा, क्यों? प्रिया कहाँ है? बाथरूम में। नो नॉट अगेन, मेरी सास तो मेरी पीछे ही पड़ गई है। ठीक हो? अच्छा मैंने डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बस हेल्दी खाना खाओ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, रेस्ट वेल, दैट्स इट। प्राची सूप लेकर आई थी ना तुम्हारे लिए, कैसा था? इट वॉज जस्ट हॉरिबल मॉम, बहुत ही बकवास था।
मतलब उसका टेस्ट बहुत ही अजीब था, मेरे तो गले से नहीं उतर रहा था, ना वो सूप और ना प्राची का बिहेवियर। मॉम प्लीज आप उसको आगे से मेरे लिए कुछ बनाने के लिए मत बोलिएगा। बहुत ज्यादा आई थिंक कि वो कुछ उल्टा सीधा बनाएगी, पर फिर भी आई जस्ट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो मेरा ध्यान रखे, मेरी केयर करे। एंड विद हर यू रियली डोंट नो। बट पल्लवी, रिया का मतलब है कि प्राची कहीं आप उसे जेलेसी कुछ कर ना दे। यू कैन से ना कि किसके मन में तब क्या आ जाए, आज वो खुश है कल। आई डोंट थिंक प्राची ऐसा कुछ करेगी। आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि रिया के बच्चे के लिए एटलीस्ट वो कुछ बुरा नहीं सोचेगी। रिया उसकी छोटी बहन है, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू थिंक ऑफ हर। प्राची को लेकर तुम दोनों को स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक यू बोथ आर जस्ट ओवर थिंकिंग। हमें रिया को आराम करने देना चाहिए, विशुद्ध को। या ऑफ कोर्स, चलो टेक केयर रिया, रेस्ट वेल। लिसन रिया, मैं जा रही हूँ ताकि पल्लवी मेरे साथ जाए, लेकिन इन द मेन टाइम ना, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम ये सोचना जरूर पल्लवी इस घर की ना होम मिनिस्टर है और तुम्हारी सरकार उसी की वजह से बनेगी। सो यू बेटर बी गुड टू हर, तुम उससे अच्छे से बात करो, उसके साथ अच्छे से रहो और चिड़चिड़ाना ना बंद करो, एटलीस्ट जब तक प्राची इस घर में है। ओके ओके, दैट्स लाइक माय गर्ल। जवाब दो, जवाब दो मुझे, क्यों नफरत करती हो इतना? ये पूछो कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, तुम्हें गुस्सा है और तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तुम मुझसे आर्ग्यू करना चाहोगी और फिर आर्ग्यूमेंट के बाद हमारा झगड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता ऐसा। इससे पहले तुम कुछ बोलो, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ कि क्यों चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हील्स ना पहनूं। क्यों नहीं पहननी चाहिए मुझे हील्स? क्योंकि तुम्हें, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपने बच्चे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। बोलो ना, है कोई जवाब? नहीं है ना कोई जवाब? क्यों नहीं पहननी चाहिए मुझे हील्स? तुम्हें हील्स इसलिए नहीं पहननी चाहिए क्योंकि अगर तुम हील्स पहनोगी तो रिया भी हील्स पहनना चाहेगी, क्योंकि तुम्हें पता है रिया को हील्स पहनना कितना पसंद है। वो 24 घंटे हील्स पहन सकती है। एक बार उसकी तबीयत खराब थी, उसने हील्स नहीं उतारी। एक बार उसको कॉलेज के पूल में जाते हुए देखा हील पहन, तो अगर तुम पहनोगी तो उसका ही मन करेगा ना पहनने का। एंड तुम्हें पता है रिया इज प्रेग्नेंट और किसी प्रेग्नेंट लेडी को घर में हील पहन के नहीं घूमना चाहिए। रिस्क होता है, क्या पता गिर जाए, क्या पता शील स्टंबल एंड फॉल। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हील ना पहनो, क्योंकि अगर तुम नहीं पहनोगी तो उसका ही मन नहीं करेगा पहनने का। That's why I don't think you should wear it. What a lame excuse. मतलब कितनी अजीब सी सलाह है किसी को हील्स पहनने से रोकने की, जो रिया और रणबीर के प्यार की निशानी होगा। और क्या बातें कर रही थी तुम रणबीर से? कहीं उसे इंप्रेस तो नहीं कर रही थी? पहले मेरे हस्बैंड को छीनने की कोशिश करती थी और अब मेरे होने वाले बच्चे के बाप को मुझसे दूर कर रही हो, उसे छीन रही हो, यही कर रही हो ना? चुप क्यों? बोलो। मतलब मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ। तुम रणबीर से यही सब? रिया, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकती क्या? समझ में ही नहीं आ रहा है, रणबीर प्राची के पीछे जाओ या उन्हें छोड़ दो अकेला लड़ने के लिए। वैसे उनका झगड़ा देखने में मजा तो बहुत आता है। इट्स वेरी क्यूट, आई लाइक दिस काइंड ऑफ फाइट, जहाँ पर रिश्तों का हक दिखाया तो जाता है पर जताया नहीं जाता है ना? किधर हा? मैं तुम्हें, देखो ना तुम्हें कोई अबला ना रही हूँ, ना ही तुम कोई रोमांटिक हीरो। और सुनो, यहाँ कोई रोमांटिक म्यूजिक भी नहीं बजने वाला है और ना ही यहाँ कोई तालियां बजाने वाला है। तो तुम जो ये तुम्हारे दिल के अरमान है ना, इनको पॉकेट में रखो और चलते बनो। और हाँ, मैं ना अपना ख्याल रख सकती हूँ, अपने आप को गिरने से भी संभाल सकती हूँ और बचा भी सकती हूँ। हेलो, ऐसे देख क्या रहे हो तुम मुझे? और तुम जैसे लड़कों को ना मैंने बहुत सीधा किया है। अच्छा, ऑलरेडी सीधा साधा उसका क्या?
उसको भी सीधा कर देती हो। हाँ, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, हर शेप साइज सबको सीधा किया है मैंने। और तुम तो दूर ही रहो मुझसे, बिकॉज आई डोंट लाइक बॉयज। मुझे ना लड़कों से बहुत चिढ़, आई डोंट लाइक एनी बॉय। ओ, अब समझा। गुड गुड, वेरी गुड। अब सबकी चॉइस एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। और आई लाइक प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब प्यार का क्या है, प्यार तो कभी भी किससे भी हो सकता है, लड़के को लड़की से, लड़के को लड़के से, और लड़की को लड़की से। अब लव हैज नो बाउंड्रीज। ग्रेट। स्टैनली, तुम यहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रहे हो? मैं कुछ दिन यही रुकने वाला हूँ। सर का ऑर्डर है, हमें एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब मैं भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए स्टे कर रही हूँ, प्राची का ऑर्डर है और मैं भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट, फिर तो हम दोनों एक ही बोट पे हैं। सो फ्रेंड, बोट पे सिर्फ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, साथ में फ्रेंड्स नहीं। पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है। ये तो ये समझती कि कोई भी लड़का इसको देखता है और इसके पीछे ही पड़ जाता है।